ईश्वर सिंह चौहान और उनके साथियों को इस हैंडपंप तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उनकी पानी की तलाश अक्सर यहीं आकर खत्म होती है। वो प्लास्टिक की इन कैनों में पानी भरते हैं और फिर 1 किलोमीटर वापस जाते हैं। इतनी मेहनत वो पथरीली जमीन पर लगे इन पेड़ों की प्यास बुझाने के लिए कर रहे हैं। उनकी इस छोटी सी कोशिश ने एक बड़े बदलाव का रास्ता तैयार किया है। दो वीरान पहाड़ियां बीते कुछ सालों में फलते फूलते जंगल में तब्दील हो गई हैं। मध्य भारत में मालवा का पठार देश के प्रमुख पठारों में गिना जाता है। यहाँ की ज्यादातर जमीन पथरीली और ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन ये हरियाली ईश्वर सिंह चौहान और उनके साथियों की सफलता की कहानी बयान करती है। ये दोनों पहाड़ियाँ मिलकर तकरीबन 20-30 एकड़ में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं। ये शुरुआत तो हमने एक बहुत छोटे से पौधे से लगा के की, हालांकि गर्मी का समय था और वो सूख गया, लेकिन उसने एक उम्मीद जगाई। वो उसमें 2 पत्ती फूटी थी, फिर जैसे ही मानसून सीजन आया, वर्षा होने लगी, 4-5 पौधे लिए, पौधे लगाए, वो धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। मुझे देख के 2 हुए, हम 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। ईश्वर सिंह चौहान ने इस पहल को शुरू किया और आज भी वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। शुरू में उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे कहीं से पौधों की व्यवस्था करते थे, उन्हें खुद ही जमीन में लगाते थे, पानी का इंतजाम करते थे, उन्हें सींचते थे और कटीली झाड़ियों से उनकी रक्षा किया करते थे, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। आज यहाँ पर अमरूद, आम और केले जैसे कई फलदार पेड़ों के अलावा पीपल, नीम और सागौन के हजारों पेड़ हैं। पठार होने की वजह से यहाँ पर बरगद, बबूल और खाकरा जैसे पेड़ ही उगते थे, लेकिन अब यहाँ की जैव विविधता में काफी विस्तार हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 हजार पौधे हैं दोनों पहाड़ियों को करके। अब ऐसा लगता है जैसे कि ये बच्चे हैं, कोई पौधा सुखाता है तो एक हृदय में टींस उठती है कि पौधा सुखा रहा है, उसको आज पानी पिलाते हैं, कल फिर से वो लहलाने लगता है तो मन गदगद हो जाता है। ईश्वर सिंह चौहान पेशे से अध्यापक हैं, लेकिन जब उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, इसीलिए आर्थिक रूप से उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ट्यूशन से जितना भी समय बचता है वो उसे पर्यावरण को समर्पित करते हैं। उनकी इस लगन ने इलाके के दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया है। कई लोग अब बतौर वॉलंटियर उनके साथ काम करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये संभव ही नहीं कि इन पहाड़ियों में बमुश्किल कोई पौधा बन पाए, पनप पाए और वृक्ष का रूप ले पाए, मगर वो व्यक्ति पिछले 12 से 15 वर्षों से भिड़ा हुआ है और उन्होंने उस पहाड़ियों को इतना चैतन्य किया है कि आज यहाँ आके लगता है देख के कि यार वृक्षारोपण हुआ है। तो पिछले वर्ष जब मैं वहाँ से आया था अपनी रनिंग, अपनी एक्सरसाइज करने के बहाने, तो मैं भी जुड़ा और एक सहयोग के हिसाब से हम लोग वृक्षारोपण करने लगे। हमको सर ईश्वर सिंह जी चौहान की से प्रेरणा मिली है। हम पहले जब आते थे तो यहाँ पूरा कुछ नहीं था, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे। सर को हम काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हम इनको देखते हुए हम भी इनके साथ जुड़े और पिछले 1-1.5 वर्षों से इनके साथ भी हैं। भारत में 8 करोड़ हेक्टेयर के इलाके में वन और जंगल हैं। देश का लगभग 1/4 हिस्सा वनों से ढका है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के बढ़ते तापमान और बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई से बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं। भारत में भी पर्यावरण और वनों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहती है कि बीते 2 साल में पेड़ और वनों के क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल अनुपात के हिसाब से भारत में मेघालय सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य है। राज्य की 84.53% जमीन जंगलों से ढकी है। वहीं देश में मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा प्राकृतिक वनस्पतियों वाला इलाका बताया गया है, लेकिन चौहान और उनके साथी कहते हैं कि जंगलों को बचाने के लिए लगातार काम करना होगा।
चूंकि क्षेत्र में बहुत कटते वन थे और मन आहत होता था, पर हमें एक ही उपाय सूझता था कि यदि लोग काटते चल रहे हैं तो हम लगाते चलें। लगाने के बाद उनकी साज संवार देख रेख और उन्हें किसी भी तरीके से वृक्ष बनने में मदद करें। मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे था और मेरा भी बर्थडे था, तो हम लोगों ने साथ में प्लांट्स लगाए थे। और इस बार भी मैंने मेरे बर्थडे पे लास्ट टाइम और इस बार भी प्लांट्स लगाए थे। और मैं कहूँगी कि सबको प्लांट्स लगाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए। ये लोग हरियाली के मामले में अपने इलाके को देश के मानचित्र पर लाना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि नई पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा इस अभियान के साथ जोड़ें। और अब ऐसा लगता है जैसे कि मेरे चारों ही धाम हो गए हैं। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही, कोई लालसा नहीं रही कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है। बस ये पौधे लग गए और अब मेरी परम इच्छा है कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है, इस नई पीढ़ी को मैं हस्तांतरित कर दूँ ये, ताकि वो इसको आगे तक ले जाए। जो कुछ भी इन लोगों ने हासिल किया है उसके पीछे सिर्फ इनकी मेहनत है और उनके अपने संसाधन हैं। सरकार या प्रशासन से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन ये लोग उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते। इनका कहना है कि पेड़ों और पर्यावरण की अहमियत को वो अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए वो अपने इस मिशन को जारी रखेंगे। वे मालवा की इस लाल धरती को हरियाली से ढक देना चाहते हैं।